सर जो ये नेता बैठे हुए हैं जो बाबा साहब के विचारों को आगे फैलाने की बात करते हैं, इस तरीके का ये नेता ये पहल क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या कारण है? साथियों मनोज जी देखिए, पहली बात तो इस आंदोलन के लिए आपको संविधान की जानकारी होनी चाहिए। संविधान में क्या क्या क्लोज है, क्या क्या आर्टिकल्स हैं, और उन आर्टिकल से हमारे लोगों को क्या बेनिफिट्स हो रहा है। अभी जो लोग सिर्फ अपने स्वार्थ की राजनीति कर रहे हैं, सिर्फ अपना पेट भरने के लिए बात कर रहे हैं और बाबा साहब से बहुत कोसों दूर है, वो बाबा साहब की बात कैसे करेंगे? उनको तो सिर्फ अपना पेट भरना है, समाज को लूटना है और अपनी राजनीति चमकानी है। बाबा साहब आज भी रो रहे होंगे बाबा साहब कि मेरे लोग जो आज मेरे वजह से आज बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं, आज मेरा जो मैंने प्रतिज्ञा की थी उस प्रतिज्ञा को पूरा करने में भी अभी सक्षम है। अभी हमारे दिन वो नहीं रहे कि हमारे पैरों में चप्पल नहीं है या हमारे पास गाड़ी नहीं है। आज बाबा साहब की वजह से हम लोग बहुत अच्छे पदों पर गए, लेकिन बाबा साहब का सपना आज भी पूरा नहीं कर पा रहे। बड़े दुख की बात है कि इतने बड़े बड़े पदों पर 236 मंत्री हमारे होने के बाद भी बाबा साहब क्या सोच रहे होंगे। अगर बाबा साहब होते तो वर्तमान में इस मंत्रियों को क्या करते। अभी हमने कहा कि हमें फ्रीडर चाहिए। फ्रीडर माने कि जो लोगों में जन चेतना बजाए, संविधान की बाबा साहब की सही बात लोगों तक फैलाए, जन चेतना फैलाने वाला फ्रीडर। और जो लीडर होता है, आज लीडर की परिभाषा ही बदल दी गई है। आज लीडर की परिभाषा, जो आदमी दबंग हो जाए, जो आदमी गुंडाशाही करेगा, जो आदमी फाइनेंशियल स्ट्रांग होगा, वही राजशाही में आएगा, और जो राजशाही में इन सारे लाइनों से होकर जाएगा वो बाबा साहब के मिशन से बहुत दूर होगा। उसके बाबा साहब के मिशन से उसका कोई लेना देना नहीं है। बाबा साहब का मिशन अगर फॉलो करेगा तो ज़मीन पर रहने वाला वो भूखा आदमी करेगा जिसने बाबा साहब को पढ़ा है, बाबा साहब के विचारों को पढ़ा है, बाबा साहब का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है, वही बाबा साहब की सही क्रांति को सड़कों तक और देश के कोने कोने पर ले जा सकेगा।